मिली अलामीन कॉलेज का विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब शहरी विकास मंत्री फिराद हकीम ने कहा है कि कॉलेज के टीचर इंचार्ज यानी TIC को उखाड़ कर बाहर फेंक देना चाहिए। और फिलहाल जो मिली कॉलेज का टीचर इंचार्ज है उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। टीचर इंचार्ज है उसको उठा के बाहर फेंक देना, उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। मिली अलामीन कॉलेज विवाद पर कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिराद हकीम ने भी अपना बयान दिया है। न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल के एक सवाल के जवाब में फिराद हकीम ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि कॉलेज की छात्राओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। जल्दी से जल्दी इसके लिए उपाय करना चाहिए। मैंने भी एजुकेशन मिनिस्टर को इस बारे में बोला कई बार और मुझे लगता है जो मिलामीन कॉलेज के मसले को बहुत अहमियत के साथ देखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने भी इस कॉलेज की समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री से बातचीत की है। इसके साथ ही फराद हकीम ने कॉलेज के TIC को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मिलामीन कॉलेज में बहुत सारे बच्चे जो कल के नागरिक होंगे वो हैं और उनके जिंदगी खराब ना हो, उनके करियर खराब ना हो, ये देखना बहुत ही अहम है। और मुझे लगता है जो इमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसे देखना चाहिए और फिलहाल जो मिलामीन कॉलेज के टीचर इंचार्ज है उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। गौर हो कि पिछले एक सप्ताह से मिली अलामीन की छात्रा यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं बैठाए जाने को लेकर और दूसरी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठी है, जिसे कोलकाता के अलग अलग सामाजिक संगठनों के सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन के समर्थन में राज्य के मंत्री सुब्रतो मुखर्जी और सिख समुदाय के अलावा समाज के अलग अलग तबके के लोग यहां पहुंच रहे हैं।